लोग सुनील कुमार जी की शहादत को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने हमारे को सुरक्षित रखने के लिए देश के लिए अपनी कुर्बानी कर दी। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे सब लोग मिलके। भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम लोग सुनील कुमार जी की शहादत को नमन करने के लिए, उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए, उनके परिवार का सम्मान करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सुनील कुमार जी हम लोगों की जान बचाने के लिए, दिल्ली वालों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। अभी जैसे अतुल जी जो हमारे फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जो उनके साथ उस ऑपरेशन में थे, उन्होंने पूरी घटना आप लोगों के सामने रखी कि किस तरह से आग लगी थी। सुनील कुमार जी ने कहा भाई मैं अंदर जाके आपको बुझाऊंगा, इन लोगों ने कहा अंदर मत जाओ। उन्होंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, मैं अंदर से आग बुझा के आता हूं। वो अंदर गए, अंदर विस्फोट हुआ और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई उनके ऊपर। आज के जमाने में जब सारे इतने स्वार्थी हैं, कौन अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान करता है? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं समाज के अंदर जो अपनी जान की बाजी लगा के देश के लिए, समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। हम सब लोग सुनील कुमार जी की शहादत को सलाम करते हैं। हम उस माँ को सलाम करते हैं जिन्होंने सुनील कुमार जैसे बहादुर बेटे को जन्म दिया। हम उस पत्नी को सलाम करते हैं जो उस परिवार का हिस्सा है, सुनील कुमार जी की पत्नी, और पूरे परिवार को सलाम करते हैं। दोस्तों, हम आप सब लोग जानते हो 3-4 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, हमारी सरकार बनी। हम भी 4-5 साल पहले तक आम लोग थे, कोई हमें जानता भी नहीं था। उन दिनों में हमारा एक सपना होता था, हम लोग देखा करते थे भाई कोई क्रिकेट में 100 रन बना के आता है तो उसको तो 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए की राशि दे देते हैं, लेकिन कोई शहीद हो जाता है तो उसका कोई ख्याल नहीं रखता। शहादत के बाद हमने सैनिकों के परिवारों को, पुलिस वालों के परिवारों को, फायरमैन के परिवारों को रुलते हुए देखा है, कोई उनका ख्याल नहीं रखता था। तब हम सोचा करते थे कि कभी अपनी चली तो शहीदों के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए के सम्मान दिया जाएगा। आप सब लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। 14 फरवरी 2015 को हमारी सरकार बनी और 10 दिन के अंदर हम लोगों ने दिल्ली में ये पॉलिसी बना दी कि अब दिल्ली में अगर दिल्ली का कोई रहने वाला बॉर्डर के ऊपर अगर शहीद होगा, दिल्ली पुलिस का कोई भी कर्मचारी किसी ऑपरेशन में शहीद होगा या दिल्ली फायर सर्विस का कोई भी कर्मचारी किसी ऑपरेशन में शहीद होगा तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हमने ये पॉलिसी बना दी थी और उसके कुछ दिन के अंदर एक पुलिस वाले की शहादत हुई और उस पुलिस वाले की शहादत के 15 दिन के अंदर हमने उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया था। दुर्भाग्यवश उसके बाद आप लोग देख रहे हो जिस तरह से केंद्र सरकार का दिल्ली सरकार में हस्तक्षेप होता रहा। केंद्र सरकार हर काम में टांग अड़ा रही थी, हर काम में टांग अड़ा रही थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्होंने, केंद्र सरकार ने शहीदों के सम्मान की जो ये हम लोगों ने योजना बनाई थी, इस फाइल को भी मंगा के केंद्र सरकार ने इसको भी कैंसिल कर दिया, इस पॉलिसी को भी कैंसिल कर दिया। उस टाइम बहुत दुख हुआ मेरे को।
मैं केंद्र सरकार के पास गया, कई बार गया, उनके पैर पकड़े, उनको समझाने की कोशिश करी। उनको मैंने समझाने की कोशिश करी, जी आप सारी चीजें रोक रहे हो, हमारे सीसीटीवी कैमरे रोक दिए, मोहल्ला क्लिनिक रोक दिए, आपने हमारे स्कूल रोक रहे हो, अस्पताल रोक रहे हो, बाकी सारी चीजें रोक रहे हो, हम आपसे बाकी चीजें लड़ लड़ के करा लेंगे, लेकिन कम से कम शहीदों के ऊपर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक सैनिक अगर बॉर्डर के ऊपर अपनी जान देता है तो वो ये सोच के जान नहीं देता कि मैं बीजेपी वालों की जान बचा रहा हूं, कि आम आदमी पार्टी वालों की बचा रहा हूं, कि कांग्रेस की बचा रहा हूं, वो इस देश के लोगों की जान बचाने के लिए शहीद होता है। उसके लिए कोई बीजेपी नहीं होती, कोई कांग्रेस नहीं होती। सुनील कुमार ने अगर अपनी जान दी तो उसने ये सोच के नहीं दी कि मैं बीजेपी वालों की अब जान बचा रहा हूं कि कांग्रेस वालों की जान बचा रहा हूं। उसने इसलिए जान दी क्योंकि वो इंसानों की जान बचाना चाह रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। हमें कम से कम शहीदों के ऊपर शहादत नहीं करनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी उन दिनों में चिट्ठी लिखी थी, मैंने कहा जी हमें 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप 5 करोड़ रुपए दो। पहली बार देश के अंदर शहीदों को इस तरह से सम्मान मिलने लगा है। बहुत सारे एक सर्विसमैन आते हैं मेरे पास, सारे आके कहते हैं जी बात तो आज तक 70 साल में बहुत करी सब लोगों ने, लेकिन इस तरह से किसी की भी शहादत के बाद उनके परिवार का ख्याल रखने के लिए 1 करोड़ रुपए, और हम केवल 1 करोड़ रुपए ही नहीं, उनके परिवार से एक आदमी को नौकरी भी देगी दिल्ली सरकार। इस तरह से किसी भी सरकार ने आज तक सम्मान नहीं दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली तो बहुत छोटी सी जगह है, दिल्ली सरकार बड़ी छोटी सी सरकार है। मैंने कहा जी आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, आप 5-5 करोड़ रुपए दो। 5-5 करोड़ रुपए एक शहीद को मिलेंगे, शहीद होने के बाद उसके परिवार को लगता है ये देश हमारा है, हमारा ख्याल रखने वाले लोग हैं, उनको अच्छा लगता है। और केवल शहीद होने वाले परिवार को नहीं लगता, पूरी फोर्स को, सारे सैनिकों को लगता है, सारी पुलिस फोर्स को लगता है कि हमारा ख्याल रखने वाला कोई है, कल को अगर हमारे को कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कोई आंच नहीं आने वाली, सारा देश हमारे साथ खड़ा है, हमारा ख्याल रखता है, उनका मनोबल बढ़ता है। उनका मनोबल बढ़ता है, सबका मनोबल बढ़ता है, पूरी फोर्स का मनोबल बढ़ता है। 3 साल तक मैं उस फाइल को क्लियर कराने के लिए केंद्र सरकार के पास गिड़गिड़ाता रहा, उन्होंने नहीं किया। 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया। 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही अब फाइलें केंद्र सरकार के पास जानी बंद हो गई दिल्ली सरकार की। अब केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कई सारी चीजों में खत्म हो गया। हमने आते ही 10 दिन के अंदर वो पॉलिसी दोबारा लागू की। 18 पिछले 3 साल में 18 लोग शहीद हुए हैं जो दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली फायर सर्विस के थे, दिल्ली पुलिस के थे और सैनिक थे। उन 18 के 18 लोगों को मैंने लग के सारे चेक बनवाए हैं, और पिछले आप लोग अखबारों में पढ़ रहे 15-20 दिन से मैं एक एक के इलाके में जाके एक एक घर जाके उनके चेक उनके परिवार को देख के आ रहा हूं। 3 साल में दिल्ली में केवल 18 लोग ऐसे हैं जो शहीद हुए। अब ये 18 करोड़ रुपए में कोई दिल्ली सरकार गरीब नहीं हो गई, 18 करोड़ रुपए में कोई दिल्ली के लोग गरीब नहीं हो गए, पूरे दिल्ली के लोगों को गर्व महसूस हो रहा है जब से ये बात फैली है चारों तरफ। 3-4 लोग ऐसे हैं हरियाणा के रहने वाले थे, दिल्ली पुलिस के थे, वो हरियाणा में रहते हैं, मैं हरियाणा में जाके उनके घर जाके चेक दे के आया। असली सम्मान तो यही है, मैं चाहता था उनके सबके परिवारों को सेक्रेटेरिएट में बुला लेता, एक ऑडिटोरियम में एक कमरे में फोटो खिंचा के उनको चेक दे देता। मैं आज उनके परिवार को कहना चाहता हूं, सुनील कुमार जी के परिवार को, कि ये जितने लोग आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई आम सभा नहीं है, ये श्रद्धांजलि सभा है। यहां जितने लोग आए हैं ये एक एक आदमी सुनील कुमार जी को सम्मान देने के लिए आया है, सलाम करने के लिए आया आज यहां पे एक एक आदमी। ये सब लोग आपके बेटे को सलाम करते हैं, ये सब लोग आपके पति को सलाम करते हैं, ये कहने के लिए आए हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझना, ये सारा देश आपके साथ है, सारी दिल्ली आपके साथ है। अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं इनके परिवार को,
आपका बेटा गया, आपका पति गया, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पूरे देश को, पूरी दिल्ली को आपके सुनील कुमार जी पे गर्व है। लेकिन आप ये मत समझना कि आप अनाथ हो गए। मेरे को अपना छोटा भाई समझना, मेरे को अपना बेटा समझना। अगर किसी चीज की कभी कोई कमी महसूस हो, कोई जरूरत महसूस हो, सीधे मेरे घर आ जाना। पूरी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आपके साथ खड़ा है। हर किसी समस्या में आपका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। भारत।